नमस्कार, आप सबका क्रिकेटिंग आई पर स्वागत है। काफी समय बाद हम जुड़े हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद में आज डे नाइट मैच शुरू होने वाला है, तीसरा मैच है सीरीज का और इंडिया इंग्लैंड की सीरीज 1-1 से बराबर है। ये मैच जो जीतेगा सीरीज उसके पास जा सकती है नहीं जा सकती है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं कोनर भाई का स्वागत करना चाहूंगा। कोनर भाई, क्रिकेटिंग आई पर आपका स्वागत है और राकेश भाई आपका भी क्रिकेटिंग आई पर स्वागत है। जी अंकुर, शुक्रिया, नमस्कार, कैसे हो जी? बस बढ़िया जी। यहाँ तो आप देख सकते हैं डे नाइट होने ही वाला है, शाम हो चुकी है तो मौसम बदलने वाला है, तो मैंने कहा इसी दौरान आपसे बात की जाए। गुजरात में मैच है, अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है, 1 लाख से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी बनाई गई है। वहां पे पहला मैच है जिसमें 50% कैपेसिटी अलाउड है, जो भी 50,000 के करीब होगी। तो कोनर भाई, आपसे पहले जानना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है वहां पे इस नए स्टेडियम को लेकर? लोगों में गुस्सा होगा और कैसी पिच होने की उम्मीद है, क्या कंडीशन होने की उम्मीद है मैच में? अंकुर जी, पहली बात तो ये गुजरात के लिए और हम गुजराती सिटीजन्स के हिसाब से मैं अगर बोलूं तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, गुजरात के लिए, कि इतना बड़ा टेस्ट मैच, पिंक बॉल स्पेशली टेस्ट मैच हो रहा है, वो भी मोटेरा स्टेडियम पे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम एज ऑन डेट, ऐसा सब बोल रहे हैं। तो और हैवी, जैसे कि मैं उधर जा चुका हूँ, मुश्ताक अली T20 फाइनल जो बरोडा और तमिलनाडु खेला था, तो मैं वो मोटेरा स्टेडियम पे मैंने विटनेस किया था वो मैच। बहुत ही ह्यूज स्टेडियम है और आज का जो स्पेशल टेस्ट मैच इनॉग्रेशन है, और अभी न्यूज़ में पता चला है कि स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अनाउंस किया गया है कि स्टेडियम का नाम ये रहेगा, तो गुजरात के लिए और भी बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम पे ये स्टेडियम का नाम हो रहा है। तो ये सब बातें लेके आज का दिन बहुत ही प्राउड डे है हमारे गुजरातियों के लिए। जी बिल्कुल, आपने स्टेडियम देखा है बनते हुए, आपको कैसी उम्मीद है, क्या क्या कैसी कंडीशन हो सकती है, क्या वहां पे मौसम को देखते हुए पिंक बॉल के जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, बॉल थोड़ी स्विंग हो सकती है, सीम हो सकती है, आपको लगता है गुजरात में अहमदाबाद में इतने बड़े स्टेडियम में जहां बारिश की कोई संभावना नहीं है, वहां पे गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने वाली है? जी, पिंक बॉल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है पिंक बॉल का कि स्विंग सबसे ज्यादा होगा, इवन कंपेयर टू रेड बॉल। रेड बॉल में स्विंग होता है पर पिंक बॉल में उससे भी ज्यादा स्विंग होता है और लेट स्विंग रहता है उसमें, वो उसकी जो एक खासियत है पिंक बॉल की। तो लेट स्विंग में बैट्समैन के पास बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि अगर लेट स्विंग होता है तो बैट्समैन की टेक्निक का टेस्ट हो जाता है, और आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट टेक्निक चाहिए अगर आपको पिंक बॉल, स्विंगिंग बॉल आपको फेस करना है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है पिंक बॉल की। बात करें तो मोटेरा को जितना हम लोग नॉर्मली, आज उधर क्या सिचुएशन है वो पिच देख के या खेल देख के पता चलेगा, बट नॉर्मली इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट, बट टुडे विल वेट एंड सी हाउ इट बिहेव्स। और मैं राकेश भाई से जानना चाहूंगा, आपने क्रिकेट खेला हुआ है अहमदाबाद में, आपने भी खेला हुआ है, और जो पहले पिच थी वो बैटिंग फ्रेंडली हुआ करती थी, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद थोड़ी घास छोड़ी गई है, कितनी छोड़ी गई है, क्या उसका फर्क पड़ेगा, तो हमें अभी इतना शायद नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अंडर लाइट्स, पिंक बॉल, क्या फर्क पड़ने वाला है, बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल क्या होने वाला है?
और एज ए फास्ट बॉलर आपको क्या लग रहा है, क्या एडवांटेज हम लोग ने दोनों टीमों के फास्ट बॉलर के पास होगी? फिलहाल तो मैं कहना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे कैंप किया था सीनियर टीम के साथ, तभी मैं भी मौजूद था, और जो ग्राउंड का एटमोस्फियर है जो एकदम आप बिलीव नहीं कर सकते, जैसे आज इनोग्रेशन मैच होने जा रहा है, जैसे कॉनर भाई ने आपको बताया सब चीज, नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेशन कर रहे हैं, उनके नाम पे स्टेडियम भी होने जा रहा है, तो एक बड़ी बहुत बड़ी बात है हमारे गुजरातियों के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने 50,000 प्रेक्षक को अलाउ किया है, तो काफी लोग इतना उत्साहित है कि जब से मतलब काफी टाइम से गुजरात में मैच हुआ नहीं है, इंटरनेशनल मैच हुआ और कोविड की गर्व की बात है गुजरात के लिए। और दूसरी बात, जैसे आपने विकेट के बारे में बोला, तो डेफिनेटली शाम का जो एटमोस्फियर रहता है, डेफिनेटली आफ्टरनून में बहुत ही अच्छा विकेट खेलेगा मेरे ख्याल से, जैसे मैच का टाइम स्टार्ट होगा वो सिचुएशन, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती जाएगी डी फैक्टर भी रहेगा, तो पिंक बॉल जैसे कॉर्नर भाई ने बताया कि डिफरेंटली स्लाइडली लेट हिलता है, तो वो डिफिकल्ट होता है बैट्समैन को जज करने के लिए, तो वही एक खासियत है, तो उसमें बैट्समैन कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि टेक्निक के बारे में, तो डेफिनेटली उन लोग का वो प्रैक्टिस सेशन हुआ रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से विकेट जो फेमिलियर रहती है बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन जो ग्राउंड का जो सिस्टम है वो लोग ने जो बनाया, लेकिन हल्की सी हवा चलती है तो जैसे कॉर्नर भाई ने बोला कि आपको बॉल हिलती है, जो लेट स्विंग करती है, तो बॉलर्स आपने देखा है कि एंडरसन है, जोफा आर्चर है, स्टुअर्ट ब्रॉड है, अगर वो तीन बॉलर से जाते अगर शायद, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता है कि उनको अपन स्विमिंग ट्रेक देंगे, मेरे ख्याल से सोचेंगे कि बैटिंग विकेट ज्यादा हो और स्लो हो विकेट, जैसा करके उनके बॉलर्स को हेल्प ना रहे। बिल्कुल, मैं तो आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, हमारे साथ दिल्ली से वरुण कुमार जुड़ गए हैं जो डेली क्रिकेट से जुड़े हुए हैं अभी, और अंडर 23 रेफरी भी रहे हैं वो बीसीसीआई की तरफ से। वरुण जी आपका स्वागत है। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बस बढ़िया। अभी मिस पिच की बात हो रही थी और सबको बधाई दे रहा था मैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में बना है, गुजरात में बना है, और वहां पहला मैच हो रहा है, और अभी अभी पता चला कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम उद्घाटन होगा, तो उनके नाम पे रखा गया है और वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो राकेश भाई, अगर हम एज ए फास्ट बॉलर मैं आपसे पूछूं, तो पिंक बॉल और रेड बॉल में सबसे बड़ा क्या डिफरेंस आप देखते हैं जिससे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल सकती है, क्या वो शाइन है या वो बॉल थोड़ी हैवी है इसलिए है, या क्या आपको क्या मेन वजह लगती है? मुझे ज्यादा करके बॉल थोड़ी ज्यादा ग्लोसी है उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि जो पिंक बॉल और जो रेड बॉल है, रेड बॉल ज्यादा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, रेड बॉल में भी मूवमेंट अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादा जल्दी सॉफ्ट होता है, लेकिन इसकी हार्डनेस अच्छी रहती है पिंक बॉल की, और ग्लोसी भी है उसकी वजह से, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि पिंक बॉल मुझे कभी खेलने का मौका मिला नहीं है, लेकिन ज्यादातर जितनी भी पिंक बॉल देखी है तो लगता है कि ज्यादा ग्लोसी है, उसकी वजह से मूवमेंट होने का चांसेस। बिल्कुल, और कॉर्नर भाई इससे पहले आपको भी जाना पड़ेगा, आपने बताया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज ए ओपनिंग बैट्समैन आपको क्या लगता है कि पहला सत्र बहुत आसान होने वाला है ओपनिंग बैट्समैन के लिए, सिर्फ आखिरी सत्र में ही दिक्कत होने वाली है, या ये पिंक बॉल से पूरे के पूरे दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा? जी जरूर, ओपनिंग बैट्समैन के लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज पिंक बॉल में रहेगा, क्योंकि जैसे राकेश जी ने बताया कि ये थोड़ा ग्लॉसी शाइनी ज्यादा बॉल है कंपेयर टू द रेड बॉल, तो उसमें स्विंग ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो अगर स्विंग ज्यादा है तो ओपनिंग बैट्समैन को, जैसे हम ट्रेडिशनली बोलते आए हैं कि ओपनिंग बैट्समैन इसलिए होता है कि बॉल का शाइन सी ऑफ करे, पहले तो पहली ड्यूटी उसकी ये रहती है एज ए ओपनर, तो डेफिनेटली ओपनर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि ओपनर को अपना बैटिंग स्किल्स कॉम्पैक्ट रखना पड़ेगा, स्ट्रोक प्ले लिमिटेड रखना पड़ेगा, और बहुत ही सावचेती से खेलना पड़ेगा, ये चीज़ तो उसको रखनी ही पड़ेगी, तो ही ओपनर पिंक बॉल में सक्सेसफुल हो सकता है। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि पृथ्वी शॉ, वेरी गुड प्लेयर,
ओपनर भी, उसने इंडिया में भी रन किए हुए है टेस्ट मैच में, सेंचुरी मारी है टेस्ट मैच में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ फ्लॉज अपने सामने सबके सामने उसके एक्सपोज हो गए, बिकॉज टेक्निक में थोड़े बहुत कॉम्पैक्ट चीज लाना पड़ेगा पृथ्वी को। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ शो का, तो ये ओपनर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है टू बी सक्सेसफुल अगेंस्ट द पिंक बॉल। और जैसे बिल्कुल आपने सही कहा था, पुराना होता है तब इजी रहेगा। आपको कुछ चेंजेस लगते हुए दिख रहे हैं टीम इंडिया में? आपको लगता है कुछ चेंजेस हो गए या सेम टीम खेलने वाली है? आई थिंक आफ्टर विनिंग द टेस्ट दिस टेस्ट मैच, आई थिंक यू नो दे वोंट इतना चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हम वरुण पे जाते हैं। वरुण, सबसे पहले क्या लग रहा है टीम, टॉस, कंडीशन? लग रहा है पीछे मैच ही चल रहा है। क्या उम्मीद है टीम में, कुछ तब्दीली होने वाली है, उमेश यादव की वापसी होगी कंडीशन को देखते हुए, या कुछ बल्लेबाजी में कुछ चेंजेस हो सकते? मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम अपनी बल्लेबाजी में ज्यादा चेंज करेगा। और जहां तक का सवाल है कि देखा गया था कि जब पीछे था कि ये जो ऊपर जो घास दिख रही है वो मैच वाले दिन गायब हो जाएगी, और वो बहुत ही लाजमी है कि जब इंडियन टीम अपने घर में खेलेगी तो होम एडवांटेज भी लेगी। बट डेफिनेटली यहाँ का विकेट, इस ग्राउंड, इस स्टेडियम का जो विकेट होगा वो उतना रैंक टर्नर नहीं होगा जितना चेन्नई का था। तो उम्मीद है कि इंडियन टीम 3 मीडियम और 2 स्पिनर्स के साथ जाएगी, और मोस्ट लाइकली कुलदीप यादव की जगह उमेश यादव अपनी जगह में वापसी कर सकते हैं, और साथ ही साथ सिराज की जगह बुमराह अपनी वापसी कर सकते हैं। इंडियन टीम में तो मुझे ये 2 चेंज होते दिख रहे हैं। और रही बात इंग्लैंड की टीम में, मेरा अपना मानना है इंग्लैंड की टीम में जो उनकी एक रोटेशन पॉलिसी है ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की, तो ब्रॉड की जगह जेम्स एंडरसन वापस आएंगे, और आर्चर अगर फिट होंगे और वो फिट ही है तो वो ऑलिस्टोन की जगह वापसी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मोइन अली नहीं है तो मोइन अली की जगह क्रिस वोक्स को उनको लाना चाहिए, जो एक मीडियम पेस अटैक भी उनका स्ट्रेंथ करता है और साथ साथ बैटिंग उनकी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। और क्रिस वोक्स एक ऐसे प्लेयर है जिनको शायद उनको स्टार्टिंग से खिलाना चाहिए था, तो मुझे ये चेंजेस दिखते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बेयरस्ट्रॉ भी अब अवेलेबल हैं, और बेयरस्ट्रॉ लॉरेंस की जगह आ सकते हैं, और अगर जैक क्रॉली फिट है तो जैक क्रॉली रूरी बंस की जगह ओपनिंग स्लॉट में आ सकते हैं, क्योंकि रूरी बंस बहुत इंडिया के साइड में तो क्लियर है कि जो चेंजेस है वो 2 चेंजेस ही होंगे जो मोस्ट लाइकली है। बैटिंग में मुझे नहीं लगता ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे इंडियन टीम में। तो राकेश भाई, अगर टीम चेंजेस पे आए तो आपको लग रहा है अक्षर पटेल ही डिजर्व करते हैं एज ए सेकंड स्पिनर खेलना, या कुलदीप यादव को एक मौका और मिलना चाहिए इस पिच पे? डेफिनेटली अक्षर पटेल ही डिजर्व करेंगे, और लोकल बॉय भी है अक्षर पटेल और बुमराह, तो डेफिनेटली वो प्रिपेयर भी करेंगे कि होम ग्राउंड पे उनको खिलाए ज्यादा करके, और डेफिनेटली उन्होंने प्रूव भी किया है लास्ट गेम में, जैसे 5 छक्के निकाली है, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं। और मेरे जैसे अभी वरुण ने बात करी राकेश भाई की इंग्लैंड में 5 चेंजेस तक हो सकते हैं, इतने ज्यादा चेंजेस होना, रोटेशन पॉलिसी का नाम दो या जो भी उसे नाम दो, क्या आपके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में सही है? इतने जैसे हम देख रहे हैं इंग्लैंड हर मैच में 1-2 प्लेयर को ड्रॉप कर रहा है, चाहे वो अच्छा खेल रहे हो बुरा खेल रहे हो, और उनके बदले दूसरे बल्लेबाज या गेंदबाज आ रहे हैं।
लेकिन सारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर है तो इसमें कुछ गलत नहीं है जो रोटेशन पद्धति में है, लेकिन स्टुअर्ट बॉर्ड खेल रहा है या एंडरसन भी खेलेंगे और जहां भी खेला हो एनी टाइम रेडी रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो प्लेयर्स इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर नहीं है। जो मोइन अली है वो भी जा रहे हैं बाहर, तो दूसरा कोई क्रिकेटर आ रहा है। तो जो यंग प्लेयर रहता है, जो न्यू कमर्स रहता है, वो जब टीम में आता है तो उन्हें ज्यादा मैचेस मिलना जरूरी रहता है, रादर देन के जो सीनियर प्लेयर है वो कभी भी कमबैक के लिए रेडी रहते हैं। उन्हें पता है कि सिचुएशन क्या होती है, प्रेशर हैंडल कैसे करना है, वो सब कुछ उन्हें पता रहता है। तो वो चीजें मेरे ख्याल से इतनी मान्य नहीं करती है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि जो प्लेयर्स को इतना बड़ा सीरीज रहता है, इतना लंबा टूर रहता है, तो उसमें रिकवरी होने का बहुत टाइम मिलता है और जो प्लेयर्स जितना एफर्ट देना चाहते हैं वो दे पाते इजीली। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी तरह से जा रहे, जैसे हम लोग ने भी देखा, हमने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। नहीं तो अपना एक मेन बॉलर रहता है तो वो हर मैच खेलता ही जाता है, फिर उनका कैरियर देखो तो इतना लंबा नहीं होता है। और जिस तरह से अपन देखते आ रहे हैं कि अपने जो स्पीड पे देखोगे कि जो एंडरसन ये एज में अभी भी वैसा ही डाल रहे हैं, अभी भी फिटनेस वैसी ही लग रही है, एज हो चुकी है फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है, कभी कहीं ना कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि ये बंदा है अभी इतनी एज से खेल रहा है और इतना टेस्ट मैच खेल चुका है। तो वो बहुत जरूरी है, फिटनेस भी मेंटेन, रिकवरी होने का टाइम मिलता है, बहुत बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से तो अच्छी पद्धति है जो वो लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, आखिर में मैं सबसे जानना चाहूंगा कि टॉस जीत के क्या बल्लेबाजी करनी चाहिए भारतीय टीम को, इंग्लैंड की टीम को, और कौन फेवरेट होगा इस मैच में टीमों को देखते हुए। सबसे पहले कोनर भाई आपसे जानना चाहूंगा। अंकुर जी, टेस्ट मैच है, नॉर्मली तो अगर विकेट में ज्यादा डैम्पनेस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, नॉर्मल विकेट है, तो कोई भी टीम ऐसा सोचेगी कि हम लोग टॉस जीत के बैटिंग करें। तो ऐसा लग रहा है कि टॉस जीत के बैटिंग ही करेगी जो भी टीम जीतेगी। और फेवरेट इंडिया ही माने हम या इंग्लैंड का भी चांस है पिंक बॉल के होते हुए? पिंक बॉल टेस्ट मैच है, कुछ भी, यू कांट से, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट नाउ। It's a different ball game altogether with pink ball, as we all know. I think जैसे आपने कहा pink ball से कहीं ना कहीं bowlers का game में बने रहते हैं, चाहे कैसी भी pitch हो, तो एक test cricket के लिए एक अच्छा, जैसे हम कह सकते हैं advertisement है अगर ये बीच बीच में होता रहे। जी वरुण, आपको क्या लगता है कि batting first और एडवांटेज, होम एडवांटेज इंडिया, या कहीं ना कहीं न्यूट्रल? डेफिनेटली टॉस जीत के जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहिए। और बाकी रही बात एक फेवरेट की, तो ऑब्वियसली इंडिया फेवरेट है और पिंक बॉल है जरूर इस टेस्ट में यूज, बट पिंक बॉल को भी एक हार्ड विकेट चाहिए जिसमें इंग्लैंड उसका एक्सप्लॉइट कर सके। तो ये डिपेंड करता है कि विकेट कैसा रहता है, और अगर बॉल ने पहले दिन से ही टर्न लेना शुरू किया फिर तो एक बारी फिर इंडिया का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। और अगर थोड़ी मदद रहती है पिंक बॉल के थ्रू विकेट में, तो इंग्लैंड के पास एक चांस रहेगा, एक उम्मीद रहेगी इस टेस्ट में वापसी करने की। और बट ओवरऑल जो फेवरेट है वो टीम इंडिया ही रहेगी इस टेस्ट में स्टार्ट होने के समय। तो मेरा जो वोट है वो इंडियन टीम के साथ ही है। बिल्कुल, और आखिर में राकेश भाई आपको क्या लग रहा है, सबकी तरह बैटिंग फर्स्ट और पिंक बॉल एडवांटेज? जो भी टॉस, ऐसा कुछ नहीं, जो भी सबको ही पता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग फर्स्ट ही करेगा, क्योंकि विकेट डेफिनेटली अच्छा है। विकेट जो पहले दो दिन है वो रदर अच्छा विकेट खेलेगा, बाद में धीरे धीरे स्लो होता जाता रहता है। तो ऑब्वियसली, और स्पेशली इंडिया में खेल रहे हैं तो बिना सोच के जब टॉस जीता है तो बस डिसाइड ही रहता है कि बैटिंग करना है। बिल्कुल, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, कोना भाई, राकेश भाई, वरुण भाई, आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है इस शानदार स्टेडियम में पहला मैच है, शानदार मैच होगा, टीम इंडिया ही अच्छी शुरुआत करेगी, पहला दिन है पर कहीं ना कहीं पहला दिन पूरे मैच को सेट कर सकता है। और हम आपसे मैच में फिर जुड़ेंगे।
दूसरे दिन धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, बाय, थैंक यू, थैंक यू।